Hi friends, you are most welcome in my YouTube channel Aryan Studies. Today I will talk to you on the very important concept of science, lightning conductor. Here we will see what is lightning conductor and what are its uses and how does it work. Lightning conductor is the name suggests that it conducts electricity. तो जैसे कि इसका नाम हमें suggest करता है कि electricity conductor है, lightning conductor, light को conduct करने वाला. तो इसके क्या uses हैं? ये कैसे function करता है? आज हम अपने इस concept में ये देखेंगे. तो जैसे कि taller buildings हैं, एक building है बहुत tall, okay? अब टॉल बिल्डिंग्स पे लाइटिंग का खतरा होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो अर्थ की तरफ तेजी से मूव करती है. लेकिन जो टॉल बिल्डिंग्स होंगी, ये टॉल ट्रीज होंगे यानी टॉलर ऑब्जेक्ट पे, वो पहले आएंगी. ओके, मतलब जैसे कि कोई बिजली आई तो वो टॉलर चीजों पे पहले गिरेगी एज अ कंपेयर्ड टू शॉर्ट थिंग्स. तो ये बहुत टॉल बिल्डिंग है, अब इस पे लाइटनिंग का खतरा है. अब इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करें? ये सरफेस ट्रीज, ओके, ऐसी टॉलर ट्रीज. लेकिन टॉलर ट्रीज में लाइटिंग कंडक्टर यूज नहीं हो सकता, ना होता है. क्यों नहीं होता, वो भी हमें आपके देखेंगे. अब ये बिल्डिंग है, इसको प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर एक आयरन का वाई शेप्ड ऑब्जेक्ट रखा जाता है. आप कहेंगे आयरन का, इससे तो और खतरा है. लेकिन इसको बिल्डिंग से सेपरेट रखा जाता है, बिल्डिंग के अंदर एक सेपरेट, जिससे इसका जो करंट, इसके आसपास इंसुलेटर की कवरिंग की जाती है, लेकिन इसके अंदर आयरन होता है. जैसे कि वायर्स होते हैं, वायर्स में क्या होता है, आस मतलब बाहर होता है कॉपर, जिससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे और इलेक्ट्रिसिटी बाहर ना आए, और अंदर होता है आयरन ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाए, और कॉपर होता है कॉपर की कॉटेज ताकि उससे किसी को शॉक ना लगे. ऐसे ही सेम यहाँ पे है फंडा, यहाँ पे आयरन होता है और ये अंडरग्राउंड जाता है. अंडरग्राउंड ऊपर वाई शेप होता है और अंडरग्राउंड में एक मेटल का कुछ ऐसा टाइप का एक क्या बोले, जैसे कोई मतलब ऐसा शेप बना लेता है, ये बहुत फैल जाता है. ओके, क्या होता है, जैसे कि जैसे ही बिजली इस पे गिरेगी, इस पे तो वो यहाँ से कंडक्ट होगी, यहाँ से कंडक्ट होते 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 बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा है. ओके, यहाँ पे आके इस पूरे में फैल गई. अब जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे बिजली फैल गई कि लैंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे बिजली पहुँचती है, बिजली पूरी लैंड में फैल जाती है जिससे बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं पहुंचता. ये होता है लाइटनिंग कंडक्टर का फंडा. अब आप कहोगे ये तो वाई शेप्ड होता है, फिर जरूरी है लाइटनिंग इस पे, लाइट जो गिरे, बिजली गिरे इस पे ही गिरे? हाँ, ये जरूरी है, बिकॉज अगर बिजली गिरेगी तो ये देखिए ये तो सीमेंटेड है, तो ये आयरन पे गिरेगी ना. बिजली गिरेगी तो आयरन पे गिरेगी क्योंकि आयरन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, बिकॉज आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो बिजली इसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होगी, भले ही बिजली ऐसी आ रही होगी लेकिन तो वो आयरन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी. खैर ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि बिजली ऊपर से ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए आएगी, कुछ इस तरीके. ओके, और इससे हमारी बिल्डिंग सेफ होती है और लैंड एक गुड कंडक्टर होती है, इसलिए उसमें बिजली छूट जाती है. और उसके बाद क्या होता है उसके बाद ग्रेडिशनल फोर्स फॉर्म होता है, हमारे स्टोन्स वगैरह होती है. ये हम अभी नहीं देखेंगे, ये हम अपने किसी और वीडियो में देखेंगे. अब ट्रीज में ये क्यों नहीं यूज़ हो सकता? ये भाई सिंपल सी बात है, हम ट्रीज में चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रीज के सराउंडिंग में, ट्रीज के बिल्कुल ऊपर नहीं. ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग में अंदर घुसेड़ सकते हैं हम, इन ट्रीज के अंदर ये हम नहीं घुसेड़ सकते हैं. ट्रीज के सराउंडिंग में हम ये से यूज़ कर सकते हैं, हालांकि लेकिन ट्रीज को इतना कुछ खतरा नहीं होता क्योंकि ट्रीज इतने टॉल नहीं होते हैं. तो दोस्तों, अगर आपको लाइटिंग कंडक्टर नहीं समझ आया तो हम इसका एक क्विक रीकैप मारते हैं कि लाइटिंग कंडक्टर एक
लॉल बिल्डिंग के ऊपर वाई शेप ओपन होता है जो आयरन का बना होता है।